हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे द लैम। ये एक पोयम है जो विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही फेमस पोयम है। इसमें ये लैम का जो कैरेक्टर है और लैम किस तरह से बना उस सबको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसको हम जो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंट में गिनते हैं। सॉन्ग ऑफ इनोसेंट एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये दोनों ही विलियम ब्लेक के द्वारा लिखे गए बहुत ही फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस सॉन्ग्स हैं। इसमें कई सारी पोएम्स हैं और उन पोएम्स में जो है उस जो टाइटल है उसका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। फिलहाल हम द लैम जो है जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंट में है वो पढ़ेंगे आज। तो शुरू कर लेते हैं हमारे द लैम पोएम। और यहाँ मैं बताती हूँ, द लैम जो है ब्लेक के द्वारा 1776 में लिखी गई थी और ये एक काउंटर पार्ट है, जैसे लाइक फर्स्ट पार्ट है। एक दूसरी पोयम भी इन्होंने लिखी है, द टाइगर। तो टाइगर जो है वो उन्होंने एक पोयम लिखी है, उसका ही काउंटर पार्ट है, हम ये कह सकते हैं। अभी हम जब टाइगर पढ़ेंगे तो टाइगर में हमें इसका ही थोड़ा सा पोर्शन देखने को मिलता है जो विलियम ब्लेक ने यूज़ किया है। अब यहाँ पे द लैम जो है वो यूज़ किया गया एज अ कॉमन मेटाफर, जो कॉमन सभी का अलंकार होता है क्राइस्ट, जो उस टाइम के लोग मेनली जो हमारे पोएट्स थे, राइटर्स थे, वो एक कॉमन मेटाफर लेके चलते थे। एक कॉमन सेंसिबिलिटी थी, वो थी क्राइस्ट। क्राइस्ट को जो था अपनी पोएम में इंडल्ज करना, अपनी पोएम में रिप्रेजेंट करना, वो उस टाइम के लोग पोएट कर रहे थे। यहाँ पे लैम को जो है एक गॉड की तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। हाँ, इनको गॉड ने बनाया है, और लेकिन गॉड ने बनाया है और जिस तरह से वो कर रहा है चीज़ें अपने आप ही, तो वो एक गॉड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे हम इसकी पोयम देख लेते हैं। जो पोयम है इनके द्वारा, विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही फेमस। तो शुरू कर लेते हैं पोयम। सो लिटिल लैम हु मेड दी, दोज थाउ नो हु मेड दी, गेव द लाइफ एंड विद दी फीड बाय द स्ट्रीम और द मीड, गेव द क्लोथिंग ऑफ द लाइट सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग होली ब्राइट, गेव द सच ए टेंडर वॉइस मेकिंग ऑल द वर्ल्ड रिजॉइस। लिटिल लैम हु मेड दी, दोज थाउ नो हु मेड दी, लिटिल लैम ऑल द Little lamb, I'll tell thee, little lamb, I'll tell thee. He is called himself a lamb, he is meek and he is mild, he become a little child, I a child and thou a lamb, we are called by his name. Little lamb, God bless thee, little lamb, God bless thee. तो इस तरह से ये बहुत ही फेमस लाइन्स हैं जो विलियम ब्लेक के द्वारा दी गई हैं और उसको बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे उस टाइम के। आप देख सकते हैं इसमें जो राइम स्कीम का यूज़ किया गया है उन्होंने, तो काफ़ी अच्छी राइम स्कीम्स हैं। यहाँ पे आगे पोयम देख लेते हैं अब हमारी, ठीक है। पोयम में हम जब शुरू करते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, एक क्वेश्चन है कि एक लैम्ब है उसको किसने बनाया। तो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किसने बनाया, किसी को पता है कि किसने बनाया, वो कैसे खा रहा है अपने आप ही, कैसे वो पहन रहा है, कैसे सोच रहा है, कैसे क्लोथिंग कर रहा है जैसा कि मैंने बताया, और कैसे वो चमक रहा है होली ब्राइट में, और यहाँ पे उसकी वॉइस जो है वो कितनी, मतलब प्यारी वॉइस है, वो किस तरह से उसकी इतनी प्यारी वॉइस बन जाएगी। तो यहाँ पे फिर से उन्होंने यूज़ किया है, इसी लाइन को रिपीटेशन किया है कि एक तुम जो लैम्ब हो उसको किसने बनाया है। तो यहाँ पे अब जो विलियम ब्लेक है वो अपने आप ही स्पीकर जो है, पोएट जो है, वो अपने आप ही बताते हैं कि अब मैं बताता हूँ, आई टेल दी, अब मैं बताता हूँ तुम्हें, कि अब वो ये यहाँ पे बोल रहे हैं, अपने आप को लैम्ब बोल रहे हैं। ही इज कॉल्ड हिमसेल्फ अ लैम्ब, अपने आप को लैम्ब बोल रहे हैं अब वो, यहाँ पे अपने आप को बता रहे हैं कि मैं कितना मीक हूँ, कितना माइल्ड हूँ, और एक लिटिल चाइल्ड की तरह हूँ, एक छोटा बच्चे की तरह, जिसको अभी सारी जानकारियाँ लेनी है। तो यहाँ पे बोलते हैं आई अ चाइल्ड, अब यहाँ पे दाउ अ लैम्ब, वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम। तो यहाँ पे जो लैम्ब है वो उससे कंपेयर कर रहे हैं विलियम ब्लेक अपने आप को, कि वो भी एक चाइल्ड हैं, और यहाँ पे जो पोएट हैं वो एक चाइल्ड के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान कीजिएगा, वो अपने आप को एक एज अ चाइल्ड के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्ब
बना के कि मुझे अभी देखना है, अभी देखनी दुनिया, आई एम जस्ट इनोसेंट, जैसे कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंट है, मैं बहुत ही इनोसेंट हूँ। यहाँ पे फिर वो बड़े बन जाते हैं, वो ये कहते हैं कि लिटिल लैम्ब आप गॉड ब्लेस दी, गॉड ब्लेस दी, और आपको गॉड जो है हर चीज़ की ब्लेसिंग से सही वो करे। तो यहाँ पे विलियम ब्लेक का काफ़ी अच्छा रूप हमें देखने को मिलता है। फर्स्टली उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपको किसने बनाया है, किस तरह से आप मतलब इस तरह की चीज़ें करते हो, और यहाँ पे इसका बर्थ और ओरिजिन के बारे में पूछते हैं। फिर नहीं जब मिलता है उसको कोई रिप्लाई तो फिर वो अपने आप ही बताने के लिए कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे वो क्लोथिंग बताते हैं कि तुम्हारे जो कपड़े हैं वो वूल है, जब क्योंकि लैम तो कपड़े नहीं पहनता, वो तो उसके ऊपर ऊन होती है, वो ऊन से ढका होता है, वूल होती है पूरी की पूरी। तो वो यही बोलता है कि ये जो वूल है ये किसने बनाई, तो ये तो क्राइस्ट ने बनाई है, गॉड ने बनाई है। यहाँ पे उसको अपने आप को लैम बहुत बताते हैं और अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो शेयर करते हैं। और यहाँ पे लैम्ब का कैरेक्टर बताया गया है, चाइल्ड का कैरेक्टर बताया गया है और क्राइस्ट का कैरेक्टर बताया गया है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ आपको, ये सब चीज़ें एक ही बताई गई हैं, क्योंकि लैम्ब और आप चाइल्ड तो समझ गए होंगे, लेकिन क्राइस्ट क्यों? क्राइस्ट क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जब ये लाइन बोली थी, दोस गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, तो गॉड ब्लेस यू में उनका क्राइस्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखने को मिलता है, कैसे उन्होंने क्राइस्ट का वर्णन किया है अपनी इस पोयम में। यहाँ पे पोयम जो है एंड हो जाती है ब्लेसिंग से, वो एक ब्लेसिंग देते हैं कि लैम्ब आपको ब्लेस रहो हमेशा और हैप्पी रहो। तो यहाँ पे हैप्पी एंडिंग ब्लेक कर देते हैं अपनी इस पोयम की। तो आई होप यू इन्जॉय दिस पोयम, थैंक यू फॉर लिसनिंग।